Hari Bhupender Singh Hooda, Priyanka Gandhi, Milkarjun Khadge, Chaudhary Bhupender Singh Hooda, Chaudhary Uday Bhan, Priyanka Gandhi, Priyanka Gandhi, Uday Bhan, Chaudhary Bhupender Singh Hooda, Chaudhary Dipender Singh Hooda, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे बीच हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उनके साथ हमारे हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत ही संघर्षशील साथी आदरणीय चौधरी उदयभान जी, हमारी पार्टी के बहुत ही संघर्षशील और राज्यसभा सांसद हमारे युवा नेता श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे पानीपत करनाल से प्रत्याशी दीपांशु हुड्डा जी आज पानीपत की इस ऐतिहासिक भूमि पर पहुंचे हैं। मैं पूरे पानीपत और करनाल जिले की तरफ से उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं पूरे पानीपत की इस ऐतिहासिक धरती पर। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो प्रत्याशी हैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी, वो आए और आए हुए नेताओं का स्वागत करें जो करनाल विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी हैं सरदार त्रिलोचन सिंह। आदरणीय सम्मान साहब, देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जिन्होंने देश नहीं टूटने दिया, उनकी बेटी, उनकी पोती और हमारे आने वाला भविष्य प्रियंका गांधी जी का, वृंदा वाड्रा जी का, मैं पानीपत की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके साथ 36 बार बरादरी के बेताज बादशाह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के उदय भान जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। प्रियंका जी, मेरे को 2019 में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ चुनाव में उतारा था और फिर मेरे को पार्टी ने नायब सिंह सैनी मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव में उतारा है। मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं, साथ ही मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर कसौटी पर खरा उतरूंगा। लेकिन मौजूदा सरकार, भाजपा सरकार, सीधे जब भगत सिंह जी नारा लगाया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई, उस नारे को खंडित करने जा रही है। बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को तोड़ने की हर संभव कोशिश करने जा रही है। आप चाहते हो देश एक रहे, आप चाहते हो भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचा रहे। 25 मई को दिवांशुपुति राजा जी मेंबर पार्लियामेंट के लिए और विधानसभा के लिए मेरे को करनाल विधानसभा के लिए वोट दें और कांग्रेस सरकार बनाए। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पानीपत की ऐतिहासिक नगरी में पहुंचने पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं वरिंदर भुल्ले शाह जी, वो प्रियंका जी को मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। वरिंदर भुल्ले शाह जी और हमारे दीवांशु बुद्धि राजा, वो सूत की माला देकर हमारी प्रियंका गांधी जी को, हमारी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं हुड्डा साहब को, उदयभान जी को और दीपेंद्र हुड्डा को स्वागत करें। दीपांशु जी हमारे नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। अब मैं आपके बीच हमारे जो करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, जो बहुत ही युवा
और ऊर्जावान बहुत जुझारू साथी जिन्होंने आज ऐसे अहंकारी जो मुख्यमंत्री हमारे हुआ करते थे मनोहर लाल जी, उनको आप लोगों के सहयोग से आज घर चलाने का काम किया। मैं अनुरोध करूंगा दीवांशु बुद्धि राजा से, वो भी आए और नेताओं का स्वागत करे और आपसे वोट की अपील करे। दीवांशु जी, राम राम जी भाई, राम राम। हमारे बीच में पानीपत की क्रांतिकारी धरती पर, क्रांतिकारी धरती पर मैं स्वागत करता हूं हमारी बड़ी बहन श्री प्रियंका गांधी जी का। करनाल की इस धरती पर, पानीपत की धरती पर आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जो एक बड़ी बहन का रोल अदा करने का काम हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ने किया, मैं दिल की गहराइयों से आपका छोटा भाई आपका धन्यवाद करता है। हमारे बीच में हरियाणा के आन बान और शान, छत्तीस बिरादरी के बब्बर शेर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं यहां, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए जो आप यहां अपने बेटे को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, मैं आपका भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी का कि वो भी आज यहां हमारे बीच में पहुंचे हैं। और मैं खास तौर पे धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं उस नेता का जिसने राजनीति की नर्सरी में एक क्लर्क के लड़के को उंगली पकड़ के आज इस मंच पर पहुंचाया। मेरे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं धन्यवाद करता हूं मंच पर विराजमान एक एक सम्मानित पूर्व विधायक विधायक सभी सीनियर कांग्रेस नेतागण का। समय कम है क्योंकि आज हम सब आदरणीय बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी को सुनने पहुंचे हैं। मैं सिर्फ दो बातें ही कहूंगा दीदी, मैं बताना चाहूंगा ये करनाल लोकसभा की सीट पर एक साधारण से कार्यकर्ता को मेरे घर में तो आज तक किसी ने पार्षदी का भी चुनाव नहीं लड़ा, मेरे घर पर आज तक किसी ने सरपंची का चुनाव नहीं लड़ा। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, ये हमारे नेताओं की सोच है कि एक आम घर के 31 साल के नौजवान को करनाल लोकसभा से दो दो बार के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी के सामने चुनाव में उतारा है। जब प्रत्याशी का ऐलान हुआ तो खट्टर साहब, दीदी खट्टर साहब कह रहे थे कि मैं तो सिर्फ कागज भर के आऊंगा, लोग मेरा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा हमारे सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है, नौजवान साथी बैठे हैं, जो खट्टर साहब कह रहे थे कि मैं तो सिर्फ पर्चा भर के चला जाऊंगा, अभी चार दिन पहले इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए हुए थे, दो दिन पहले इनके गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे और कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए हुए थे। मैं कह रहा था, मैं कह खट्टर साहब अगर कमी रह रही हो
तो अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप को और बुला लो। अगर 31 साल के नौजवान के सामने बीजेपी की हालत ये है कि बीजेपी को आज अपने दिल्ली के नेताओं को करनाल में बुलाना पड़ गया। और मैं कह रहा था, ये बीजेपी वाले कह रहे थे मीडिया वाले कह रहे थे कि बीजेपी के पास तो सत्ता बल है, उनके पास तो धन बल है, उनके पास तो प्रशासन की ताकत है। अरे मैं कहा, मेरे पास मेरी बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी का बांधा हुआ धागा है, मेरे पास मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सर पर आशीर्वाद है, और मेरे पास हमारे अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी का साथ है, और मेरे पास मेरे बड़े भाई का चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सर पर साया है। और दीदी मैं कह रहा था, मैं कहा इतना सामान इकट्ठे हो पीछे तो मैं एक नहीं, मैं 10-10 खट्टर साहब ने भी घेर लूंगा। मैं ज्यादा समय आपके बीच में ना लेता हुआ आज की ऐतिहासिक रैली के लिए समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, 36 बिरादरी के बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को यहां से धन्यवाद देना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि इस मंच से अब खट्टर जी को बाय बाय कहने का समय आ गया है कि न किसानों को MSP दिलवाएं, इसलिए खट्टर जी को बाय बाय, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाएं, इसलिए खट्टर जी को, अग्निवीर को हटाएं, इसलिए खट्टर जी को, कर्मचारियों को OPS दिलवाएं, इसलिए खट्टर जी को, गरीबों को राशन दिलवाएं, इसलिए खट्टर जी को, करनाल का भविष्य उज्जवल बनवाएं, इसलिए खट्टर जी को, और EVM की मशीन पर हाथ का बटन दबाए और खट्टर जी को बाय बाय। मैं दोबारा से बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी, हुडा साहब, उदयभान जी, दीपेंद्र जी और समस्त कार्यकर्ताओं का यहां से धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जो भरोसा आपने मुझ पे किया है, 31 साल की उम्र है, मेरे शरीर में कितने सांस हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगली सारी उम्र आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांशु जी, आपने विस्तार से खट्टर साहब को बाय बाय कह दी। अब मैं ऐसे अपने युवा साथी को बुलाना चाहूंगा कि जिन्होंने, जब किसान आंदोलन चल रहा था इस देश की पार्लियामेंट में, आप लोगों के साथ खड़े होकर जिन्होंने लोगों की आवाज ली, हमारे युवा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से। हमारे बीच में हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी, हमारे प्रत्याशी भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, सम्मानित मंच उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहनें, राम राम जी। ठीक हो? सबसे पहले आज आपके बीच में मैं पहुंचा, मैं देखने आया था, जब चुनाव शुरू हुआ, जब मैं आपके बीच में शुरू में आया था, तब कह रहे थे कि करनाल में पता नहीं क्या होगा, फिर कहने लगे कि करनाल में मुकाबला बनता जा रहा है, फिर कहने लगे कि करनाल में जीत सकते हैं, और आज रोहतक में सुबह बात यह आई
कि दीपेंद्र जी थोड़ी मेहनत बढ़ाओ, कहीं करनाल में रोहतक से ज्यादा ना जीत जाएं। मैं आपको देखने के लिए आया था यहां पर, मैं बधाई देता हूं आपको। 10 साल इस सरकार ने क्या किया उसका तराजू पे तोल के आकलन का समय आ गया है। 10 साल ये डबल इंजन की सरकार, ऊपर नीचे, और हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का डबल इंजन, इंजन इंजन रह गए, डब्बे छूटते चले गए। ऐसी सरकार ने क्या किया, आज हरियाणा प्रदेश 10 साल के बाद देश में बेरोजगारी में सबसे ज्यादा, पढ़े लिखों को रोजगार नहीं, सबसे आगे बेरोजगारी में, महंगाई में, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, विकास हुआ नहीं, विकास की पटरी से हरियाणा उतर गया, और हर वर्ग का ऐसा अपमान, हरियाणा की पहचान पे चोट कर दी सरकार ने। हमारी पहचान थी जय जवान जय किसान जय पहलवान जय संविधान, ये हमारी हरियाणा प्रदेश की पहचान हुआ करती थी। मगर इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी उस पहचान पे भी चोट करने से पार्टी पीछे नहीं हटी। जय जवान नहीं रहने दिया, अग्निपथ योजना ले आए, कांग्रेस की सरकार आएगी, ये अग्निपथ योजना कच्ची भर्ती जाएगी और फौज में पक्की भर्ती दोबारा से लौट कर आएगी, हम ये कहना चाहते हैं। जय किसान हुआ करता था, 750 किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, एक ऐसी सरकार साबित हुई देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि ऐसी भी सरकार थी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आज विशेष तौर पे प्रियंका जी का धन्यवाद मैं करना चाहता हूं। जब किसान आंदोलन हुआ देश में, तो पूरे किसान आंदोलन में अगर किसान के साथ कोई खड़ा हुआ, लखीमपुर खेड़ी आज हम वो दिन याद कर रहे हैं, अगर किसान के साथ कोई खड़ा हुआ और जेल में जाकर 3 दिन बिताने का काम किया, तो प्रियंका गांधी जी पहुंची लखीमपुर खेड़ी और वहां पर 3 दिन तक जेल में रही किसान के साथ आपने। और मुझे तो वो भी आपका रूप याद है, मुझे तो वो भी आपका रूप याद है जब मैं आपके साथ गया लखीमपुर खेड़ी में और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश करी, तो एक बड़ी बहन के रूप में और एक शेरनी के रूप में मेरी रक्षा करने के लिए आपने जो कदम बढ़ाया, आज मुझे वो दिन याद आ रहा है। ये हरियाणा और देश का किसान और मजदूर वो दिन नहीं भूल सकता जब किसान पे आक्रमण हुआ तब आप खड़े हुए, जब हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम इस सरकार ने किया, जो बेटियां न्याय मांग रही थी उनका क्या कसूर था, ये हरियाणा है। इसी हरियाणा में कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ, हमारी मां बेटी की इज्जत के लिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ, ये वो हरियाणा है। हमारी बेटियों ने जब न्याय मांगा तो दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटने का काम इस सरकार ने किया, इतना अहंकार। मगर वहां भी अगर कोई खड़ा हुआ उन बेटियों के साथ, तो हमारी बहन प्रियंका गांधी जी सबसे पहले जंतर मंतर पहुंचकर हमारी बेटियों के साथ खड़ी हुई। आज हम धन्यवाद आपका करते हैं, मगर इस सरकार का क्या करें जिन्होंने ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा, ना जय पहलवान छोड़ा और ना जय संविधान छोड़ा। ये कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे, और हम इनको कह रहे हैं संविधान पे तो हम आँच नहीं आने देंगे, ये देश की जनता है, ये सरकार ही बदलने का काम करेगी, हम इनको कह रहे हैं। आज ये लड़ाई हरियाणा को विकास और तरक्की के रास्ते पे लेके जाने की लड़ाई है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई, और ये लड़ाई करनाल को आगे लेके जाने की लड़ाई है। पानीपत ने और इस हरियाणा की धरती ने देश की राजनीति को हमेशा दिशा दी है। इंद्रप्रस्थ पे, दिल्ली पे किसका राज होता है इसका फैसला हरियाणा में होता है, चाहे वो कुरुक्षेत्र में महाभारत की बात हो या पानीपत के 3 युद्ध की बात हो जहां पे आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि 24 में भी किसकी सरकार आएगी उसका फैसला भी हरियाणा से होके जाएगा। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ हमारे ये प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा जी के बारे में, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे हम लड़ाई लड़ रहे, आपके साथ मिलकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी, बीजेपी के पास बहुत कुछ है, दिल्ली में इनकी सरकार है, चंडीगढ़ में इनकी सरकार है, सत्ता बल इनके पास है, मीडिया बल इनके पास है, आप देखते हो कि मीडिया भी इन्हीं से ज्यादा प्रभावित है,
पैसा भी इनके पास बहुत है, धनबल भी बहुत है, इतना लूटा ये देश को, लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई ऐसी कंपनी नहीं छोड़ी जिससे चंदा ना लिया हो, इतना चंदा ले लिया, ऐसे ऐसे दफ्तर बनवा दिए, कोरोना का टीका लगवाने वाली कंपनी से भी चंदा ले लिया कि नहीं ले लिया? किस किस ने कोरोना का टीका लगवाया था एक बार हाथ खड़ा करके बताना, कोरोना का टीका किस किस ने लगवाया था? सबने लगवाया था, मैंने भी लगवा लिया था, शुरू में मैं नहीं लगवा रहा था, लेकिन जब घर में ज्यादा दबाव बन गया तो मैंने कहा लगवाओ। अगर कोरोना के टीका में कमी नहीं थी तो बीजेपी ने 450 करोड़ का चंदा लिया क्यों? और अगर टीके में कमी थी तो आपको और हमको टीका लगवाया क्यों? ये तो ऐसी ऐसी पार्टी है, इन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा, इनके पास सत्ता बल है, इनके पास मीडिया बल है, इनके पास धन बल है, हमारे इस कैंडिडेट के पास कुछ नहीं है, केवल आपका आशीर्वाद है, उसको देने में कसर मत छोड़ना। आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। अब मेरा अनुरोध है, हरियाणा प्रदेश के बहुत ही संघर्षशील जुझारू हमारे प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी आए और आप जहां नेताओं का स्वागत करें वहीं आपसे वोट की अपील करें। आदरणीय चौधरी उदयभान जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, हम सबके नेता आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी, हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय जनप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे नौजवानों की आवाज, आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी मेंबर पार्लियामेंट, हमारे बीच में उपस्थित हमारे करनाल लोकसभा से बहुत ही हमारे शानदार और जानदार प्रत्याशी आदरणीय भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, हमारी करनाल विधानसभा से बाय इलेक्शन लड़ रहे हमारे साथी सरदार त्रिलोचन सिंह जी, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सम्मानित मंच और पूरे पानीपत के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी सभी उपस्थित माताएं बहनों बच्चों, मैं सबसे पहले आप सबको और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि परसों का कार्यक्रम आया, केवल एक दिन का समय था कल का, और जो इतना भारी जो जन समर्थन, जो आशीर्वाद आप लोगों की तरफ से मिला यहाँ आकर के, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी का हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस पानीपत के ऐतिहासिक मैदान पर, इस क्रांतिकारी भूमि पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं केवल यही कहना चाहूंगा आपसे, 25 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, जिसका रिजल्ट 4 जून को आएगा, ये चुनाव हिंदुस्तान की दिशा और दशा बदलने का चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा इस देश में तानाशाही राज करेगी या इस देश में लोकतंत्र कायम रहेगा, प्रजातंत्र कायम रहेगा, जो हमारे नेताओं ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना सजोया था इस देश को एक सूत्र में पिरोने का, सभी जाति वर्ग धर्म और संप्रदाय को साथ में लेकर के सभी को समान अधिकार देने का, अभिव्यक्ति का अधिकार देने का, लिखने का अधिकार देने का, बोलने का अधिकार देने का और सबको समान वोट देने का अधिकार देने का, आज उस पर चोट की जा रही है। आज इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया जा रहा है। आज जो संविधान को बचाने के लिए जो संस्थाएं जो खड़ी की गई थी संविधान के अंदर, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो, चाहे ये आपका ईडी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो, आज सभी की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, आज आप संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए
आगे आए और इस भारत जलाओ पार्टी को यहाँ से दूर भगाने का काम करें, जिन्होंने हमारे इस देश के और हमारे इस प्रदेश के 750 किसानों का बलिदान लिया है, जिन्होंने हमारी बहनों को बेइज्जत करने का काम किया है, जिन लोगों ने हमारे अग्निवीर योजना ला करके हमारे युवाओं को और फौज के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया है। आज आपसे ये मेरा उम्मीद है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कांग्रेस के न्याय पत्र को घर घर तक पहुंचाओ, 5 न्याय 25 गारंटी, जिसमें राहुल गांधी का पसीने की गंध आ रही है, जिन्होंने मेहनत करके इस देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिस तरह से सभी को एकजुट होकर लाखों लोगों से इंटरेक्शन करके जो आपको न्याय पत्र दिया है उनको घर घर तक पहुंचाएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब मेरा अनुरोध है, हरियाणा प्रदेश के पूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी से, जिनके राज में हरियाणा विकास में नंबर एक था, आज बेरोजगारी में इस खट्टर ने नंबर वन बनाया, अपराध में नंबर वन बनाया, हुड्डा साहब आए और आप लोगों से वोट की अपील करें माननीय हुड्डा साहब। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री व श्री राजीव गांधी जी की सुपुत्री, इंदिरा जी की पोती और राहुल गांधी की बहन सोनिया गांधी जी की लड़की, कितना ही आप गिन सकते हो, पूरे परिवार के त्याग इतिहास से हमारा पूरा इतिहास लिखा हुआ है, इंदिरा जी से लेकर और राजीव जी से। देखिए आज मेरे को इस बात की वो है, आज प्रियंका जी यहाँ आई हैं, हम स्वागत करते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने तो सदैव राजीव गांधी जी से ही प्रेरणा लेके राजनीति में आगे बढ़ा, उनके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ा, इस वास्ते मेरे को बहुत खुशी है। देखिए लंबी बात तो सभी ने बात बता, भाई एक बात सुनो, जब तक मैं बोलूँ 2 मिनट नारे मत लगाओ, 2 मिनट बोलूँगा आपने ध्यान से सुनो, लंबी बात ये सारी बातें पहले कह दी, प्रियंका जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी उदयभान जी, सांसद दीपेंद्र जी और हमारे दोनों कैंडिडेट करनाल लोकसभा से बुद्धि राजा जी और करनाल असेंबली से हमारे त्रिलोचन जी, लोकसभा में पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं और विधानसभा में आज के मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, तो बहुत सारा देश और हरियाणा पूरी टकटकी लगाए करनाल लोकसभा और विधानसभा की ओर देख रहा है। और जो मैं आज देख रहा हूँ, जो आज जनसमूह देख रहा हूँ, एक संकेत है कि दोनों सीटों में कांग्रेस की जीत होने जा रही है। यहाँ से भी अभी प्रियंका जी बता रही थी, यूपी में भी बहुत इन्होंने मेहनत करी, वहां भी हालत बदल गए, जहां से आवाज आ रही है यही हो रहा है कि दुनिया ने बदलाव का मन बना लिया, हिंदुस्तान के लोगों ने। और मैं इसी वास्ते उस आधार पर कह सकता हूं, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर एक था। 10 साल हो गए इनकी सरकार को, बीजेपी की, आज हरियाणा में क्या हुआ, बेरोजगारी में नंबर एक है, महंगाई में है, रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, अपराध में है और खेल और खिलाड़ियों को तो जो पता है हमारी बेटियों को किस प्रकार से, जिन्होंने देश का देश में हमारा नाम ऊंचा किया, घसीटा गया, तो आज सबने मन बना लिया यहाँ पर। आज बाकी बातें तो हमारे प्रियंका जी कहेंगी, मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, यहाँ पानीपत ऐतिहासिक जगह है और यहीं पर जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा से गए तो यहीं हमने बड़ी भारी पब्लिक मीटिंग सुबह हुई थी उस दिन, और बहुत लोग आए थे, उस दिन से एक माहौल बदलना शुरू हुआ था। ये ही ऐसी जगह है पानीपत, जो पानीपत में जीतता है वही दिल्ली राज करता, भाई वही दिल्ली जाता है,
चाहे आप देखो इतिहास में, तो आज प्रियंका जी यहाँ आई है, मैं समझता हूँ ये किला फतेह करके इंडिया अलायंस की सरकार केंद्र में बनेगी, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बाकी बातें यही बता देंगी क्या क्या करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हुड्डा साहब। अब मेरा ऐसी नेता से अनुरोध है कि जब पूरे देश को ईडी का डर दिला के डराया जा रहा था, हमारी शेरनी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी चट्टान की तरह खड़ी थी, उनसे अनुरोध है कि अपने इन कार्यकर्ताओं को अपना संदेश दें। श्रीमती प्रियंका गांधी जी नमस्कार। श्री भूपिंदर हुड्डा जी, श्री उदय भान जी, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, श्री दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, श्री अशोक अरोरा जी, श्री बलबीर सिंह वाल्मीकि जी, श्री शमशेर सिंह गोगी जी, श्री धर्मपाल गोंडर जी, श्री वीरेंद्र शाह जी, श्री सचिन कुंडू जी, श्री वीरेंद्र राठौर जी, कंवर सिंह चोकर जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, सभी कांग्रेस के पदाधिकारी गण, मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। खास तौर से मेरे पंजाबी भाई बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत, मैं तो आधी पंजाबनी हूं इसीलिए लड़ती हूं। इसीलिए आपने कहा कि ईडी के समय में लड़ी, क्योंकि मुझ में वो पंजाब का भी वो जज्बा है और आप सबका भी जज्बा है। देखिए, ये महाभारत की धरती है, यहां से हमें भगवत गीता की सीख मिली, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ने की, न्याय के लिए लड़ने की सीख मिली, अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई लड़ने की सीख मिली। यहां चाहे खेल का मैदान हो, चाहे जंग का मैदान हो, चाहे खेत खलिहान हो, हर जगह हरियाणा के लोग खून पसीना बहाकर मेहनत करते हैं और न्याय के लिए लड़ते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। मुझे गर्व है कि मैं आज इस धरती पे खड़ी हूं और मुझे गर्व है कि आप सब आज यहां इतनी बड़ी तादाद में मेरी बातों को सुनने के लिए आए हैं, आपकी मैं बहुत बहुत आभारी हूं। देखिए, ये देश किसानों का देश है, इस देश की आत्मा इस देश का किसान है। आजादी की लड़ाई से, बल्कि उससे पहले से, आजादी की लड़ाई से भी सैकड़ों वर्ष पहले से इस देश का किसान इस देश के लिए, आजादी के लिए लड़ा है, अपना खून दिया है, अपना पसीना दिया है। इस देश को अगर कोई समझना चाहता है तो इस देश के किसान को समझे। आप जब खेती करते हैं, जब अपनी उपज को आप उगाते हैं, जब अपनी खेती को आप खुशहाल बनाते हैं, तो सिर्फ अपने बच्चों के पेट भरने के लिए ये काम नहीं करते हैं। आप इस पूरे देश के अन्नदाता हैं, आप देश की नई पीढ़ी को बनाते हैं, इस पूरे देश को आप खिलाते हैं, आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, इस देश की आत्मा हो। हरित क्रांति जब इंदिरा जी लाई तो वो इस बात को समझ के लाई, इस देश की आत्मनिर्भरता का श्रेय इंदिरा जी के साथ इस देश के एक एक किसान को मिलता है, जिसने इस देश को आत्मनिर्भर बनाया अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से।
लेकिन अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो सरकार आज देश में चल रही है, 10 सालों से केंद्र में बैठी है, वो इस सीधी सी साधारण बात को समझ नहीं पाए, वो इस देश के किसान का महत्व समझ नहीं पाए, इस देश के किसान का आदर कर नहीं पाए, आपके प्रति श्रद्धा से वो देख नहीं पाए। आपने आंदोलन किया, क्यों किया? क्योंकि वो 3 ऐसे कानून लाए थे जिससे आपके की कमर टूट जाती, जिससे आपकी कमाई खत्म हो जाती, इस देश का किसान झुक जाता। इसीलिए आपने आंदोलन किया, लाखों की तादाद में आप दिल्ली तक आए, महीनों के लिए आप दिल्ली के बॉर्डर पे आप बैठे रहे, इस देश के हर देशवासी ने आपको देखा, हर देशवासी के दिल में आपके लिए हमदर्दी जागी, आपके लिए कोई पानी लाया, कोई खाना लाया, कोई आपके साथ आकर बैठा। मुझे याद है दीपेंद्र जी रोज रोज आपके आंदोलन में शामिल होते थे, आपके साथ आकर बैठते थे, लेकिन भाजपा का एक एक नेता, भाजपा के प्रधानमंत्री जो इस देश के सबसे बड़े पद पर आसीन हैं, उन्होंने आपकी सुनवाई तक नहीं की, आपका बिजली, आपकी बिजली बंद की, आपका पानी बंद किया, आपको देशद्रोही का दर्जा दिया। ये सारी मीडिया जो आपके सामने खड़ी है, जो आज बड़े बड़े खरबपतियों की है, इन्होंने आपको देशद्रोही कहा, आपके बारे में अपशब्द कहे, आपको आतंकवादी कहा। आप में से 600 भाई शहीद हुए, मोदी जी ने अपने पलक नहीं झपकाई। मुझे याद है आपने जिक्र किया दीपेंद्र जी, मुझे याद है यूपी में एक मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को अपने जीप के तले कुचल दिया। ताज्जुब की बात यह है भाई और बहनों, हमारी राजनीतिक सभ्यता हमें इंदिरा जी ने सिखाई थी कि जहां कष्ट है, जहां संकट है, सबसे पहले वहां पहुंचो। तो जब हमने सुना कि ऐसा हुआ है, हम गाड़ी में बैठे, रात का समय था, बहुत बड़ी आंधी भी थी उस दिन, बारिश आ रही थी, हमने कहा हम जाएंगे उन किसानों के परिवारों से मिलने जाएंगे। मुझे ताज्जुब हुआ कि जिसने उनको कुचला उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जहां हम रह रहे थे चारों तरफ पूरे घर की पुलिस आ गई, नाकाबंदी की कि हम बाहर निकल ना पाए। हम किसी ना किसी तरह से निकल गए, पूरी रात हम पुलिस से भाग भाग कर सब जगह नाकाबंदी की थी। किस लिए? हमको पकड़ने के लिए। हम तो परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन उसको पकड़ने के लिए एक उंगली नहीं उठाई जिसने ऐसा किया था। हम पूरी रात के लिए पुलिस से इधर उधर भागते हुए लखीमपुर खीरी तक पहुंचे, और जब हम पहुंचे तो 4 बजे थे सुबह के, हमें गिरफ्तार कर लिया। दीपेंद्र जी ने आपको बताया कि किस तरह से पुलिस ने हमको घेरा और हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन ताज्जुब तो इस बात का था कि हमें रोकने की कोशिश हो रही थी, उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं थी। तो ये सरकार की मनसा आपको बताता है, इससे पता चलता है कि इनकी मानसिकता क्या है। जब हम पहुंचे 3-4 दिन बाद उन किसानों के परिवारों से मिलने के लिए, तो उनका दुख, उनका दर्द हमें समझ में आया। वो आंदोलन कर रहे थे, शांति से कर रहे थे, जिस तरह से आपने यहां दिल्ली में किया, उनको बेरहमी से कुचला गया, उनके परिवार के सदस्य रो रहे थे, दुखी थे, न्याय चाह रहे थे, कह रहे थे कि हमें यकीन नहीं होता, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं दीदी, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, कोई हमारे दर्द को समझ ही नहीं रहा है।
लेकिन अगर एक बात स्पष्ट हुई है इन 10 सालों में, तो ये बात स्पष्ट हुई है कि मोदी जी इस देश के किसान, इस देश के गरीब, इस देश के मिडिल क्लास, इस देश की गरीब महिलाओं, इस देश के नौजवानों का दर्द नहीं समझते। वो कट चुके हैं आपसे। इस चुनाव में उसी मंत्री को टिकट दिया है जिसके बेटे ने उन किसानों को कुचल डाला, वो आज चुनाव लड़ रहा है। ये परिस्थितियां हो गई हैं हमारे देश की। आज परिस्थितियां ये हैं कि जितनी भी इनकी नीतियां बनती हैं बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बनती हैं। अगर दर्द किसी का समझ रहे हैं तो अपने खरबपति दोस्तों का दर्द समझ रहे हैं, जिनके पास पहले से हजारों लाखों करोड़ रुपए हैं, लेकिन मोदी जी हमारे सरकारी बैंकों से उनको 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ करते हैं। आज देश का किसान कर्ज क्यों लेता है भाइयों और बहनों? अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर्ज नहीं लेता कि उसके पास लाखों हजारों रुपए पहले से हैं, चलो और थोड़े से बना दिए। आज देश का किसान कर्ज लेता है अगर उसकी बेटी की शादी होती है। किसान कर्ज तब लेता है जब खेतों पे नुकसान हो गया, भुगतान नहीं मिल रहा, फिर से उपज उगानी है, अपने बच्चों के पेट में खाना डालना है। किसान कब तब कर्ज लेता है जब अपने नौजवान बच्चों को शिक्षित करना है, ट्यूशन की फीस भरनी है और पैसे नहीं है क्योंकि कमाई नहीं है। और इन लोगों के पास, इस देश के किसान के लिए एक रुपया नहीं है। जब हम कर्ज माफी की बात करते हैं, कहते हैं अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं है, तो ये 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बड़े खरबपतियों के कैसे माफ किए अगर आपके लिए एक रुपया नहीं है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में जगह जगह ऐसे किसान हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए कर्ज लिया, वापिस नहीं कर पाए और आत्महत्या कर ली। 50,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं देश के किसान। और मोदी जी के पास ना उनके लिए समय है, ना उनके लिए एक पैसा उनके कर्ज को माफ करने के लिए। ये परिस्थितियां बनी हैं। आज परिस्थितियां इनकी नीतियों द्वारा ऐसी बन गई हैं कि किसान खेती के हर सामान पर GST डाल रखा है, हर सामान को महंगा कर रखा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसकी बात होती है सिर्फ, आपको कभी नहीं मिलती। आपके सामने आते हैं, बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, लेकिन आज तक आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। आप कर्ज उठाते हैं, कर्ज माफ नहीं होता। आपको खाद नहीं मिलती, सरकारी वितरण केंद्र तमाम बंद पड़े हैं देश भर में। आपको प्राइवेट में लंबी लंबी कतारों में होना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता। तो परिस्थितियां क्या हैं? आप खेती से कमा ही नहीं पा रहे हैं। आपको अगले दिन के लिए क्या इंतजाम करना है, कैसे करना है, यही पता नहीं है। किस तरह से आप जी रहे हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई आपको पूछता तक नहीं है। सरकार की सारी नीतियां बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। हिमाचल के किसानों को देखिए, देश का सबसे बढ़िया सेब उगाते थे, सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी जी को दे दिए। अडानी जी आज तय कर रहे हैं कि सेब कितने पे बिकेगा, कितने पे खरीदा जाएगा। जो बाहर से सेब आ रहा है उस पे टैक्स कम लग रहा है, और आप GST दे के हिमाचल के किसान पिस रहे हैं, उनका सेब महंगा हो गया है। ग्राहक जब जाता है सेब खरीदने के लिए तो अमेरिकन सेब खरीदता है। अडानी जी जब जी चाहे सेब खरीदते हैं, जब जी चाहे सेब का दाम तय कर देते हैं। तो आज हिमाचल के सेब का किसान पिस रहा है। ये एक प्रदेश में नहीं भाइयों और बहनों, सारे प्रदेशों में इनकी यही नीति है, किसानों को पिसने दो, गरीबी के दलदल में रहने दो, बड़े बड़े खरबपतियों को आगे बढ़ना है, बस यही इनकी चिंता रहती है। और ये परिस्थितियां बना दी हैं इन्होंने आज, कि आज महंगाई की वजह से सिर्फ किसान नहीं, आम आदमी, मिडिल क्लास का, मेरी बहनें, सब परेशान हैं। आज गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है,
मेरी बहनें दुकान जाती हैं पांच चीजों को खरीदने के लिए, तीन चीज छोड़ आती हैं। बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, घर में मरम्मत करनी है, पानी आ रहा है छत से, उसको उसके लिए भी घबराहट होती है। सोचती हैं कि चलिए बाल्टी डाल देते हैं, चला लेंगे, ऐसे ही कोई बात नहीं। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं रोज रोज आप सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार में आपकी सुनवाई तक नहीं है। आज कुछ भी खरीदने जाएं, मिट्टी का तेल, चीनी, आटा, सब्जी, कुछ भी खरीदने जाएं, पेट्रोल डीजल सब महंगा हो गया है, कोई गुजारा ही नहीं कर पा रहा है, कैसे जी रहे हैं समझ में ही नहीं आता। और वहां आप टीवी चलाते हैं, ये मीडिया वाले माफ करिए, लेकिन ज्यादातर बड़े बड़े खरबपति इन कंपनियों के मालिक हैं। आपको क्या दिखता है टीवी पे? आपको दिखते हैं मोदी जी बड़े बड़े मंचों पर साफ सुथरे कुर्ते में, एक धूल का दाग नहीं है, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है, चमक रहे हैं। और आपको बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। किसान का बेटा कौन है? किसान का बेटा ही जवान है जो हमारी रक्षा करता है, जो सरहद पे जाकर इस देश के लिए कुर्बान होने की तैयारी करता है। मैंने आंखों से देखा है, मैंने आंखों से देखा है उत्तर प्रदेश के गांव गांव में, और मैं जानती हूं कि हरियाणा के गांव गांव में भी सुबह सुबह 3-4 बजे वर्जिश करते हुए, दौड़ लगाते हुए बच्चों को, उनकी उम्मीदों का क्या हुआ, उनकी आशाओं का क्या हुआ? आप तो 4 साल बाद अग्निवीर लाके उनको भी बेरोजगार करना चाहते हैं जो सेना में भर्ती करने की उम्मीद रखते हैं। बच्चे रोते रोते आते हैं हमारे पास। मैं राहुल जी के साथ यात्रा कर रही थी मुंबई में, एक बच्चा आया जीप पे चढ़ गया, रोने लग गया। हमने कहा क्या हुआ? बोला दीदी तीन बार मैं भर्ती का कर चुका हूं, सारी परिश्रम की है, सूची में नाम भी आ गया, अब पिताजी कह रहे कि मत जाओ। तो मैंने कहा तुम्हारा मन क्या है? कहता है मन नहीं है दीदी, डर लगता है, मैं जाऊंगा भी तो 4 साल बाद मेरा क्या होगा, और मैं चले गया, मैं शहीद हो गया तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा मेरे परिवार को। रोने लग गया, कहा मैंने अपने 3 साल बर्बाद कर लिए, आज मैं यहां खड़ा हूं। मैं जाना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था। उस बच्चे की आंखों में वो जज्बा दिखा मुझे, वो शहादत का जज्बा, वो जज्बा कि मैं शहीद हो जाऊंगा लेकिन देश की रक्षा करूंगा। लेकिन उसको ये घबराहट थी कि अगर मैं कर भी डालूं तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा। आज बेरोजगारी चरम पे है और मोदी जी अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं। बेरोजगारी चरम पे है, 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं इस देश में। आज कभी ऐसा नहीं हुआ बहनों और भाइयों। मोदी जी कहते हैं ना 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैंने 10 सालों में वो कर दिया जो इन्होंने 70 साल में नहीं किया। हाँ, 10 सालों में इन्होंने बेरोजगारी को इतना बढ़ा दिया कि 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। इनकी पूरी इन्होंने देखिए बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक स्कीम नहीं दी है आपको। जहां जहां से आपको रोजगार मिलता था वो सारे साधन बंद कर दिए। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां किसकी हैं आज बताइए, किसको सौंप दी गई हैं? बड़े बड़े खरबपतियों को सौंप दी गई हैं, उनकी सारी सब्सिडरीज सौंप दी गई हैं। देश का कोयला, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, देश का पावर, देश की बिजली, सब बड़े बड़े खरबपतियों को दे दिया है। 16 लाख करोड़ रुपए देश का पैसा उनको माफ। और आप, आपको कौन पूछ रहा है? इस देश के किसान को कौन पूछ रहा है? इस देश के मिडिल क्लास को कौन पूछ रहा है? छोटे कारोबारों से रोजगार मिलता था, बड़े सरकारी कारोबारों से तो मिलता ही था, जिनको ये ठप कर रहे हैं।
लेकिन छोटे कारोबारों से भी मिलता था। यही जो मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट, यहाँ पानीपत का जो हैंडलूम है, जो यहाँ से भी एक्सपोर्ट होता था, यहाँ का छोटा छोटा कारीगर जो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाता है, जो यहाँ से कालीन तौलियों का काम करता है, इनका क्या हुआ? आप नोटबंदी लाए, आपने देश को कह दिया कतार में खड़े हो जाओ, देशभक्त हो तुम, ठीक है, सब खड़े हो गए। जिन्होंने बचाया था थोड़ा बहुत, और सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? छोटे कारोबारों का हुआ। नुकसान हुआ आपने झेल लिया कि चलो देशभक्ति है, मोदी जी कह रहे काला धन वापस आ जाएगा। कोई काला धन वापस नहीं आया, कोई पैसे आपके खातों में नहीं गए, लेकिन आपके बिजनेसों का नुकसान हुआ। उसके बाद क्या लाते हैं? एक नया तोहफा आपके लिए, जैसे नौजवानों के लिए अग्निवीर का तोहफा, आपके लिए जीएसटी का तोहफा। आपको जीएसटी के कैलकुलेशन के लिए ही अकाउंटेंट रखना पड़ता है, चाहे आप रख सकते हैं या नहीं, मतलब आपकी काबिलियत है कि नहीं है, फिर भी रखना पड़ता है। चाहे छोटा बिजनेस है, अकाउंटेंट रखना पड़ता है कि किसी ना किसी तरह समझ जाए कि जीएसटी किसमें कितनी है, और आपकी कमाई कम हो रही है, तो हर तरफ से आप पे आक्रमण है। किसानों पे आक्रमण है, मिडिल क्लास पर आक्रमण है, गरीबों पर आक्रमण है, महिलाओं पर आक्रमण है। बड़ी बड़ी बातें फिर से मोदी जी कहते हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण लाए। कौन सा आरक्षण? जो 10 सालों के लिए लागू नहीं होगा। और ये टीवी वाले, मीडिया वाले हार पहना रहे हैं मोदी जी को, मोदी जी बड़े बड़े मंचों पर महिलाओं के साथ कि भैया हम आरक्षण लाए, और जब हमारी पहलवान बहनों के साथ दुष्कर्म होता है, गलत काम होते हैं, तो मोदी जी कहां छुप जाते हैं? ओलंपिक की मेडल लाई तो मोदी जी ने चाय पे बुलाया, अपने घर बुलाया, फोटो खिंचवा दी, सारे टीवी ने दिखाया कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी नहीं होते तो हमें मेडल ही नहीं मिलता। और जब उसी महिला ने रो कर कहा कि मुझ पे अत्याचार हुआ है, मोदी जी मेरी बात सुन लीजिए, मुझे सबसे ज्यादा दुख पता है किस बात का हुआ, जब मैं उससे मिलने गई, जब वो धरना लगा रही थी, मैं उन लड़कियों से मिलने गई, उसने मुझे कहा कि दीदी मैंने सोचा था, मैंने देश को गर्वित किया है, देश के लिए इतना बड़ा मेडल लाई हूं, मैंने सोचा था कि अगर मैं सड़क पे बैठ जाऊंगी, मैं आंदोलन करूंगी, तो मेरी तो सुनवाई होगी। मुझे दुख इस बात का हुआ कि ये लड़की, इसने इतनी मेहनत की होगी, मैं जानती हूं, मेरी बेटी ने हरियाणा के लिए बास्केटबॉल खेला था, तो मैंने अपनी बेटी को एक गांव में, सोनीपत में किसी गांव में एक स्कूल था, उसमें कैंप में भेजा था, सर्दी का समय था। मेरी बेटी रोज शाम को मुझे फोन करती थी, रोती थी कि बहुत मुश्किल है मम्मी, बहुत मुश्किल है, और मैं उसको बताती थी बेटा देखो गांव की लड़कियां कैसे मेहनत कर रही हैं, और उसने भी मेहनत की, प्रेरणा ली गांव की बच्चियों से, क्योंकि गांव की बच्चियों को हम देख देख के हमारी आंखों में आंसू आते थे। जब ये लोग नेशनल्स खेलने के लिए गए, जब ये नेशनल्स खेलने के लिए गए, तो सारी बच्चियां इकट्ठी गईं, मेरी बेटी भी थी उसमें शामिल, मैं भी गई थी, और साथ में जो जितनी भी गांव की बच्चियां थी, जो सुबह 3-3, 4-4 बजे उठ के मेहनत करती थी, पसीना बहाती थी, मुझे आज तक याद है उस टीम की जो कैप्टन थी, एक छोटी सी लड़की थी, इतनी सी, 15 साल की लड़की, शायद राधिका नाम था उसका, उसको 103 बुखार था, उसको 103 बुखार था, लेकिन वो खेलती रही, खेलती रही, खेलती रही। मैं माँ हूं, मैंने कहा कि उसको रुकवा लो, आराम करा लो, कोई बात नहीं, वो बच्ची रुकी नहीं। इतनी मेहनत करती हैं आपकी बेटियां, और ओलंपिक में जाने के लिए कितनी मेहनत की होगी इस लड़की ने, नौजवान, इसकी उम्मीदें, इसकी आशाएं क्या होंगी, महत्वाकांक्षाएं क्या होंगी, और आज सड़क पे बैठी है, आप उनको घसीटवा रहे हो, अपने पुलिस वालों से लाते खिलवा रहे हो, और आपके पास 2 मिनट का समय नहीं है कि घर अब बुला लीजिए ना, अब रो रही है, अब बुला लीजिए, अब सुन लीजिए कि इसका दुख क्या है। ये है आज की राजनीति की परिस्थिति, ये है
हमारे देश के सबसे बड़े पद पर आसीन हमारे महान नेता प्रधानमंत्री मोदी जी, ये है उनकी हमदर्दी आपके लिए। समझ लीजिए बहनों और भाइयों, 10 सालों में जो सच्चाई आप जी रहे हैं, जिस तरह से आपको दिल्ली के अंदर इन्होंने जाने नहीं दिया, आपको बाहर रखा, आप पे लाठियां बरसाई, आपके आपके ऊपर टियर गैस डाला, आप पे पानी फेंकवाया, आपकी बिजली बंद कराई, जिस तरह से इन्होंने आपके साथ बर्ताव किया है, इसको भूलिए मत, भूलिए मत। 10 सालों से आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें मंच पे, देशभक्ति की बातें। मैं पूछना चाहती हूं, कौन है वो देशभक्त जो इस देश को, इसकी आत्मा को नहीं समझ पाया, जो इस देश के किसान का आदर नहीं कर पाया, कौन है वो देशभक्त? नरेंद्र मोदी जी हैं, मुझे तो नहीं लगता। जिसने इस देश के किसानों को देशद्रोही कहा, इस देश के शहीदों को देशद्रोही कहा, मुझे तो नहीं लगता। याद करिए वो दिन, याद करिए वो दिन जब आप पर लाठियां बरसाई। अपनी सच्चाई को ठीक तरह से समझिए। आप जो टीवी पे देख रहे हैं कि देश की बड़ी तरक्की हो रही है, ये तरक्की आपके जीवन में नहीं दिख रही है। आज आप इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं क्योंकि इस सरकार ने आपके लिए नीतियां नहीं बनाई। इस सरकार ने सिर्फ अपने बड़े बड़े खरबपतियों के लिए अपनी नीतियां बनाई हैं। ये सच्चाई है इस देश की। आज सच्चाई है इस देश के किसान का खून पसीना जो इस धरती में रोज गिर रहा है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। सच्चाई मजदूर की है जो भटक रहा है रोज रोज दिहाड़ी ढूंढने के लिए, दिहाड़ी मिलती नहीं है, काम मिलता नहीं है। सच्चाई है इस देश के नौजवान की जिसके लिए अग्निवीर जैसी योजना ले आए, जिसको बेरोजगार रखने की साजिश है। क्योंकि अगर रोजगार मिल जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, तो फिर इनकी राजनीति को नकार देगा, क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ बहकाने वाली राजनीति है। इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ सत्ता लेने की, हर कीमत पे सत्ता लेने की राजनीति है। देखिए, आपने इनकी बातें सुन ली हैं। आज ये इतने अहंकारी हो गए हैं कि ये कह रहे हैं अगर हमें 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान को बदल डालेंगे। ये कौन होते हैं संविधान को बदलने वाले? ये संविधान आपका है, ये संविधान इस देश का है, ये संविधान इस देश के किसानों, गरीबों, इस देश की हर वासी का है। इस संविधान पर आंच नहीं आने देंगे हम। इसलिए आप समझ लीजिए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है, हर स्तर पे, न्यायपालिका को, मीडिया को, जहां जहां से लोकतंत्र मजबूत होता है, संसद को, हर जगह से इन्होंने कोशिश की है कि लोकतंत्र कमजोर हो जाए। अब ये आखिरी बात भी बोल दी इन्होंने कि इनको मौका मिले तो संविधान बदल देंगे। संविधान से आपको इस वोट का अधिकार मिलता है, आपको भोजन का अधिकार मिलता है, शिक्षा का अधिकार मिलता है, आरक्षण का अधिकार मिलता है। संविधान आपका सुरक्षा कवच है। समझ लीजिए गहराई से इस बात को, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है जो किसानों पर इस तरह से वार कर सकता है। जो वार इन्होंने 10 सालों से किया है वो कुछ भी कर सकता है, इन पे भरोसा नहीं कर सकते। आप इस बात को गहराई से समझ लीजिए। इनकी पूरी राजनीति 36 कौमों की एकता को तोड़ने की राजनीति है, और कांग्रेस की पूरी राजनीति कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक, जहां जहां मेरे भाई राहुल गांधी पैदल चल के हजारों किलोमीटर चले हैं, कांग्रेस की राजनीति यही है, देश की एकता बनाए रखना, भारत जोड़ो यात्रा की। क्योंकि हम ये, हमारी ये राजनीति, हमारी ये विचारधारा है कि ये देश एक रहे तभी मजबूत होगा, यही हमारी राजनीति है। हमारे कण कण में ये बात है,
कि इस देश की आत्मा इस देश का किसान है, इस देश के किसान के बिना ये देश कुछ नहीं है। इस बात को हम गहराई से समझते हैं आज, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं, क्योंकि हम इस बात को गहराई से समझते हैं। और भैया ने ये यात्रा की जिसमें उनको समझ में आया कि कितना अन्याय हुआ है देश की जनता के साथ। हम एक न्याय पत्र अपनी पार्टी की तरफ से हमने घोषित किया। इस न्याय पत्र में हमने कुछ गारंटी लिखी है आपके लिए। मैं आपको ये गारंटी सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले किसान भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए हम कानून बनाएंगे। आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिलना ही मिलना है। ये आपका कानूनी अधिकार बनेगा, कोई इस अधिकार को आपसे छीन नहीं पाएगा। इसके अलावा खेती के हर सामान पर आज GST है, हम GST हटा देंगे, हर सामान को सस्ता कर देंगे। आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, जिससे जब जब आप संकट में हैं आप जाकर सुविधा ले सकेंगे। आज आपको खेती का भुगतान नहीं मिलता, नुकसान होता है भुगतान नहीं मिलता। हम कह रहे हैं ये गारंटी करेंगे कि 30 दिनों के अंदर अंदर पूरा भुगतान होगा। मेरी बहनों के लिए, हर गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में हर महीने 8,500 रुपए हम डलवाएंगे, सरकार डालेगी। ये काम 2,000 रुपए डालने का काम कर्नाटका और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें आज के दिन कर रही हैं। किसानों के कर्ज माफ हमने करके दिखाए हैं, छत्तीसगढ़ में किया, राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया जब हमारी सरकारें थी। तो मैं जो जो कह रही हूं आपसे हमने करके दिखाया है, इसका प्रमाण है। महिलाओं के लिए आशा बहु, आंगनवाड़ी और मिड डे मील वाली महिलाओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा, केंद्र से दुगनी राशि भेजी जाएगी। केंद्र सरकार में जितने भी पद हैं उनमें से आधे महिलाओं को दिए जाएंगे। नौजवानों के लिए जो स्नातक पास हैं उनके लिए पहली नौकरी पक्की, 1,00,000 रुपए सालाना वो कमाएंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाएंगे। मोदी जी के कार्यकाल में 30,00,000 सरकारी पद खाली हैं, हम उन 30,00,000 सरकारी पदों को भरेंगे। अग्निवीर को रद्द करेंगे, आपका अपमान है ये स्कीम, हम इस स्कीम को रद्द कर देंगे जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। जो मजदूर हैं जिनको आज जिनका आज शोषण होता है, ठेकेदार कुछ भी दे देता है, रोजगार नहीं है, जो भी दिहाड़ी मिलती है काम कर लेते हैं, हम उनके लिए कानून लाएंगे कि 400 से कम की दिहाड़ी नहीं दे पाएगा कोई। और इसके साथ साथ जिस तरह हम गांव में मनरेगा लाए और मोदी जी ने उसको कमजोर किया, हम मनरेगा को फिर से मजबूत बनाएंगे और शहरी मनरेगा लाएंगे, ताकि पानीपत जैसे शहरों में भी 100 दिन का रोजगार की गारंटी आपको मिलेगी। अब मैं आखिरी बात आपसे ये कहना चाहती हूं कि यहां से आपको लगता है कि खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, ये चुनाव खट्टर जी के खिलाफ नहीं, ये चुनाव मोदी जी और मोदी जी की किसान विरोधी सरकार के खिलाफ है। आपका वोट आज मोदी जी को हराने के लिए जा रहा है। ध्यान से अपना वोट दीजिए, पूरे विवेक से अपना वोट दीजिए। जिन्होंने आपको दिल्ली के अंदर जाने से रोका उनको दिल्ली से निकाल दीजिए।
ये देश आपका है, ये देश आपका है। आप किसान हो इस देश के, इस देश की आत्मा हो, इस देश का जवान आपका बेटा है। मैं आपकी जो भावना है उसको समझती हूँ, क्योंकि जब आपके बेटे देश के लिए शहीद होते हैं तो आप पीछे नहीं हटते, आप दूसरे बेटे को भी बोलते हैं जाओ, तुम भी जाओ सरहद पे रक्षा करो देश की। ये आपकी भावना है, ये आपके जज्बात हैं। मैं इस भावना को इसलिए समझती हूँ क्योंकि मैं भी एक शहीद की बेटी हूँ और एक शहीद की पोती हूँ, और अगर मेरे 100 बेटे होते मैं भी उनको वही कहती जो आप अपने बेटों को कहते हो। तो ये देश आपका है, इस देश की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है जितनी हमारी है। हम लड़ाई लड़ेंगे आपकी, हम आपके खिलाफ जो अन्याय किया गया है उसको दुरुस्त करेंगे, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर लड़ेंगे। लेकिन अब आपके जागने का समय आ गया है, आप भी जागिए, आप भी लड़िए इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए। सीना तानिए और हिम्मत से जाकर अपना वोट डालिए, इस सरकार को आखिरी बार यहां से इस सरकार को आप खदेड़ दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी। जय हिंद।